नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें कि यहां पर गंगा नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा गिर गया। शुक्रवार को निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा अचानक से गिर गया। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। ऊंचा गांव विकास क्षेत्र के मड़ैया माली गांव में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के दो बीम नीचे गिर गए, जबकि तीसरा बीम पूरी तरह से खराब हो गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, मगर हालांकि निर्माणाधीन पुल गिरने पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने निर्माण कार्य पर सवाल जरूर उठाया है। साल 2021 में बुलंदशहर और अमरोहा को जोड़ने के लिए मड़ैया माली और बिरामपुर के बीच गंगा नदी पर 1062.65 मीटर लंबाई के पुल के निर्माण कार्य की शुरुआत हुई थी। करीब 8,318 से ज्यादा लाख रुपए से पुल का निर्माण किया जा रहा था। पुल निर्माण में शुरुआत से ही घटिया सामग्री का प्रयोग करने के आरोप लगते नजर आए हैं। लोगों के बार बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारियों ने गंभीरता नहीं दिखाई। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस हादसे को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जनता पूछ रही है कि भाजपा ने ठेके के बदले में जो चुनावी चंदा लिया है, उसमें उस ठेकेदार ने कितना दिया जिसके द्वारा बुलंदशहर में गंगा जी पर बनाया जा रहा पुल बनने के दौरान ही टूट कर गिर गया। काम की गुणवत्ता से खिलवाड़ करके भाजपा लोगों के जीवन से खेल रही है। आइए दिखाते हैं आपको यह वीडियो। कितने मरते फ्री हैं भाई? कितने मरते? अगले महीने में बना था। पिछले महीने में? फरवरी में। सर, बुलंदशहर के थाना नारसेना क्षेत्र के गजरौला में सर एक गंगा का पुल जो है उसके तीन पिलर टूटे हुए हैं, क्या मामला है सर? जैसा कि आप जानते हैं कि गंगा नदी पर ग्राम गजरौला में अमरोहा को जोड़ने वाला एक काफ़ी बड़ा गंगा जी पर पुल बन रहा था, जिसमें कल रात में तीन स्लैब डाले गए थे। वो तीन स्लैब गिर गए हैं और टूट गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कोई जनहानि नहीं हुई थी। 11 बजे रात में डाल के काम ख़त्म हुआ था, उसके बाद मौसम ख़राब हुआ था और वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था, कोई जनहानि नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई घायल नहीं है। परंतु काफ़ी बड़ा पुल है और इसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए मैंने सीडीओ साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है जो जांच करेगी और अगर कोई दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ ये बताना उचित है कि EPC मोड पे पुल बन रहा था और इसके गुणवत्ता की समय समय पर जांच भी कराई जाती रही है। चूँकि कल ही तीनों स्लैब डाले गए थे और रात में मौसम भी खराब हुआ है, तो ये सारा देखते हुए जाँच कमेटी जो आख्या देगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। मौके पर सभी इंजीनियर्स मौजूद हैं और सारे लोग हैं। कोई पुल को, कोई जो पिलर्स थे उनको कोई क्षति नहीं है। सर, गुणवत्ता के लिए कितने लोगों की टीम बनाई गई है, जैसे गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं? उसमें CDO साहब अध्यक्ष रहेंगे और एक XCN PWD के रहेंगे और एक XCN सिविल इंजीनियर और भी रहेंगे, चाहे वो REES के हों या सिंचाई विभाग के हों। उसमें जो भी सिविल इंजीनियर होगा उसको रखेंगे। हम लोग समीक्षा करते हैं, चूँकि ये तीनों पिलर कल ही कास्ट हुए थे और कल मौसम खराब था, तो किन कारणों से गिरा है इस जाँच का विषय है।